बीजेपी पार्टी ने राजपूत समाज को कहीं भी कोई टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक ही टिकट दिया है। इसलिए सारे राजपूत भाइयों में और छत्ती बिरादरी में रोष है, हम बीजेपी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। भाजपा के टिकट वितरण को लेकर हुआ घमासान, शाहबाद में राजपूत समुदाय के लोगों ने भाजपा पर टिकट वितरण व राजपूत समाज की अनदेखी के लगाए आरोप। सीएम नायब सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूंका पुतला। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से कल विधानसभा चुनाव को लेकर अपने 67 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद से ही पार्टी से प्रत्याशी बनाए जाने की उम्मीद लगाए बैठे दावेदार पार्टी से नाराज दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा 67 उम्मीदवारों में से राजपूत समाज के केवल एक ही नेता को टिकट दिया गया, जिसके बाद से ही समाज में टिकटों को लेकर रोष पनप रहा है। वहीं आज शाहबाद विधानसभा में राजपूत समाज के युवाओं ने भाजपा पार्टी पर समाज की अनदेखी करने के आरोप लगाए और शाहबाद बराड़ा रोड पुल के नीचे इकट्ठे होकर मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। राजपूत समाज के युवा चेतन राणा और मंजीत राणा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत समाज के साथ बहुत ही अनदेखी की है। 67 विधानसभा उम्मीदवारों की लिस्ट में केवल एक नाम रादौर विधानसभा से श्याम सिंह राणा का रखा गया है। राजपूत समाज की 7-8% जनसंख्या है, ऐसे में केवल एक व्यक्ति को टिकट देना उचित नहीं। उन्होंने कहा कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा राजपूत समाज को बहुत ही छोटा समझती है, राजपूत समाज बीजेपी को आईना दिखाने का काम करेगा। बीजेपी पार्टी ने राजपूत समाज को कहीं भी कोई टिकट नहीं दिया, सिर्फ एक ही टिकट दिया है। इसलिए सारे राजपूत भाइयों में और छत्ती बिरादरी में रोष है, हम बीजेपी का पूरी तरह से बहिष्कार करेंगे। सिरे पर आ चुके हैं तो काफी काफी संख्या में राजपूत समुदाय है शाहबाद विधानसभा के अंदर, के पूरे हरियाणा में विरोध रहेगा इसका, पूरे हरियाणा में विरोध होगा। आज यहाँ पे है, कल कहीं और, हम बीजेपी पार्टी का सफाया कर देंगे। तो आज पुतला फूंक रहे सारे हरियाणा में, फूके जा रहे हैं कि मात्र शाहबाद में, यहाँ से शाहबाद की धरती से इसका तैयारी हुई है, सारी जगह फूके जाएंगे। तो क्या आपकी मांग है, किस राजपूत के किस व्यक्ति को टिकट मिलने चाहिए? देखो जी, किसी को भी दे दो पर टिकट दो, हमारा किसी एक पर्सनल बंदे से वो नहीं है, सिर्फ एक टिकट हुई है श्याम सिंह राणा जी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज को इतना छोटा समझती है कि 90 विधानसभा में से 67 विधानसभा की इन्होंने टिकट अनाउंस किया है और सिर्फ एक टिकट, राजपूत समाज जो है 7-8% की पॉपुलेशन है हमारी और टिकट सिर्फ एक, और राजपूत समाज इस बीजेपी पार्टी को आईना दिखाने का काम करेगा, जैसे कि राजपूत समाज ने यूपी के अंदर लोकसभा के अंदर अपनी ताकत दिखाई है बीजेपी को, वैसे ही हरियाणा विधानसभा के अंदर भी हम यहाँ पे पूरे जोर शोर से इसका विरोध करेंगे और हमारे यहाँ पे आंदोलन चलाएंगे, गांव-गांव जाएंगे हमारे समुदाय के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी का जो है बहिष्कार किया जाए। कुछ टिकटों की जो लिस्ट पेंडिंग है उसमें भी क्या राजपूत समुदाय का नाम आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, अगर भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व हमें समझे, अगर नहीं समझेगा तो ये जो है अपना इसका खामियाजा भुगतेगा अगर नहीं समझेगा। तो अगर 23 टिकटों में राजपूत समुदाय का नाम नहीं आता तो खुला पूरा विरोध किया जाएगा? पूरा विरोध किया जाएगा, गांव-गांव में जाया जाएगा, एक एक आदमी तक मैसेज पहुंचाया जाएगा, जैसे कि लोकसभा के अंदर यूपी के अंदर हमने मैसेज पहुंचाया था। मेरा नाम चेतन राणा है, अजराना कला। क्या संदेश है राजपूत समुदाय के लोगों के लिए? राजपूत समुदाय को हम संदेश यही देंगे कि एकत्रित हो, अपनी ताकत को पहचानो, हमारी जनसंख्या बहुत है, हम जिसको चाहे बना सकते हैं, जिसको चाहे हरा सकते हैं। जब इस बीजेपी पार्टी के साथ कोई भी नहीं खड़ा होता था तब राजपूत समाज 95% वोट बैंक अपना इसको देता था, तब ये जाके सत्ता में आए थे।